हे तीन लोगों के स्वामी, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, हफ्ते के हफ्ते आकर नारियल चढ़ाती हूँ, फिर एक ऐसा फंदा तुमने मेरे गले में डाल दिया, तो पागल लड़की तो हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ गए। हालांकि उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उस कलमही से किसी हाल में शादी नहीं करेंगे, पर सच तो ये है कि वो कलमही है कहाँ, अच्छी गोरी चिट्टी तो है, इस तरह आई लव यू कहकर गले पड़ेगी तो मर तो फिर मरते है ना, कब तक नहीं फिसलेगा। मेरी जान तो सांसों में फंसी हुई है भगवान, कोई सौतन ना घर में आदम के। मुझ पर दया करो भगवान, मुझ पर दया करो, मैं हफ्ते की जगह रोज की रोज आकर नारियल चढ़ाऊंगी, कृपा करो हे भगवान। हे माँ, ये चुड़ैल यहाँ भी आदम की क्या करने आई होगी, जरूर मेरे पति को अपना पति बनाने के लिए नारियल फोड़ने आई होगी। हे भगवान, मैं इसे भी एक नारियल ज्यादा चढ़ाऊंगी, बस उस पर कृपा बनाए रखना। ये तो मुझे ही बुला रही है, अच्छी बात है, अगर इसने मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बात की ना तो मार मार के गाल लाल कर दूंगी। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ, तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलो, आई तो मतलब से ही हूँ। सोच समझ कर बात करना, अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करनी ही हूँ। वही तो, सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला, आपके पति जैसा दुनिया में दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो आंख उठा कर देख उनकी तरफ, तेरी आंखें नोच लूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। देखिए, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, अगर उनसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो डूब मरना कहीं जाके, कि बला चले। आप तो मुझे बात भी नहीं करने दे रही। हाँ, पता है क्या बोलने वाली हो, चलो चलो बोलो क्या है। देखिए, मैं सिर्फ राज को ही नहीं, आपको और बच्चों को भी बहुत खुश देखना चाहती हूँ, सुखी देखना चाहती हूँ। अच्छा, वो कैसे? क्या आप नहीं चाहती कि अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आपके पास ढेर सारे गहने हो, एक सुंदर सा बंगला हो, आप और राज थाट से इम्पोर्टेड कारों में घूमे और आपका सारा परिवार खुशहाली की एक जीती जागती तस्वीर दिखाई दे। प्लीज आप मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। कितना? अच्छा तो 2 करोड़? इससे ज्यादा तो मेरे पास है भी नहीं। देखिए, आप मुझको या मेरे प्यार को झूठा मत समझे, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चलती हूँ।